सीएम अरविंद केजरीवाल ने एशियन गेम्स में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सम्मान राशि देकर किया सम्मानित। जी हां, आपको बताई चली कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने एशियन गेम्स 2022 में मेडल जीतने वाले दिल्ली के 11 खिलाड़ियों व 3 कोच को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कैश इंसेंटिव स्कीम के तहत गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़, सिल्वर मेडल लाने वाले को 75 लाख और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार खिलाड़ियों को हर स्तर पर मदद करेगी। हमने दिल्ली में देश की सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स नीति बनाई है और अब इसमें कुछ और सुधार करेंगे। उन्होंने कहा कि मेडल जीतने के बाद तो हर कोई खिलाड़ी को सम्मान देने के लिए आगे आता है, लेकिन जब ये खिलाड़ी संघर्ष कर रहे होते तब उनकी मदद करने कोई नहीं आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार प्ले एंड प्रोग्रेस और मिशन एक्सीलेंस स्कीम के तहत आर्थिक मदद देकर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए तैयार करती है। देश भर के खिलाड़ियों से अपील है कि वो भी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़े और प्रतिभावान बच्चों को निखारने में मदद करें। इस दौरान खेल मंत्री आतिशी, विधायक दिलीप पांडे समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजे जाने के बाद भी पेश नहीं होने पर दोबारा कोर्ट पहुंची ईडी की टीम। जी हां, आपको तय चले कि ईडी ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन पर पेश नहीं होने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बार फिर से कोर्ट में शिकायत की है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद मामले पर सुनवाई के लिए गुरुवार यानी कि 7 मार्च की तारीख तय की है। ईडी ने पहले भी उनके खिलाफ शिकायत की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट से उन्होंने कहा था कि वह फिजिकल रूप से पेश होना चाहते, लेकिन विश्वास प्रस्ताव और बजट सत्र की वजह से वह पेश नहीं हो सके थे। वहीं वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए, जिन्होंने केजरीवाल के लिए छूट की याचिका दायर की और अदालत को आश्वासन दिया कि अगली तारीख पर वह फिजिकल रूप से पेश होंगे। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने दायर छूट याचिका पर अदालत के सामने सीएम अरविंद केजरीवाल के फिजिकल प्रेजेंस के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है। ईडी की शिकायत पर रॉस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जारी किया नया समन, अब 16 मार्च को होना होगा पेश। जी हां, आपको बताई चली कि शराब घोटाला से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी की शिकायत पर दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि ईडी के 8 समन के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी ने दोबारा कोर्ट का रुख किया था। हालांकि ईडी इससे पहले भी कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत कर चुकी है। दरअसल 5वें समन के बाद ईडी ने शिकायत की थी, जिस पर 7 फरवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने बजट सत्र के चलते अगली तारीख पर पेश होने की दलील देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी।